हिंदू धर्म में विजयदशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ राशि के अनुसार उपाय कर लिए जाए तो साल भर भगवान राम की कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं उपाय। पूरे भारतवर्ष में सनातन लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं। यह दशहरा अश्विन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है भगवान राम जी ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता को लेकर के आए थे। उसी उपलक्ष्य में भगवान राम की पूजन होता है और दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरे के दिन कुछ विशेष प्रकार के दान व्यक्ति को निम्न राशि के जातकों को करना चाहिए, जिससे वो उन पर राम जी की कृपा बनी रहती है और उनके परिवार में आदि में वृद्धि होती है। मेष राशि वाले जातक को विजयादशमी के दिन गेहूं का दान करना चाहिए, जिससे उसके कार्य क्षेत्र में और करियर में उन्नति प्राप्त होती है। उसके पश्चात वृषभ राशि वाले जातकों को चावल का दान करना चाहिए, जिससे उसके यहाँ पर सुख समृद्धि का आदि का वास रहता है। मिथुन राशि वाले जातकों को मूंग के दानों का दान करना चाहिए, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होती है। और कर्क राशि वाले जातकों को दूध का दान करना चाहिए, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। सिंह राशि वाले जातकों को गुड़ और मूंगफली का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में मन के मुताबिक तरक्की प्राप्त होती है। कन्या राशि वाले जातकों को हरे रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे देश विदेश में निवेश करने पर उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वहीं तुला राशि वाले जातकों को श्वेत वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें सुख समृद्धि आदि प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे उनको मानसिक वेदना से मुक्ति मिलती है। धनु राशि वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र को का दान करना चाहिए, जिससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तथा मकर राशि वाले जातकों को चमड़े के जूते चप्पल दान करना चाहिए, जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है। कुंभ राशि वालों को जातकों को नीले रंग की वस्त्रों का दान करना चाहिए, जिससे धन की वृद्धि होती है। और मीन राशि वाले जातकों को पके हुए केले पपीता और पीले रंग की वस्तु का दान करना चाहिए, जिससे देव गुरु बृहस्पति उनकी कृपा उन पर बरसती रहती है। इस प्रकार विजयादशमी के दिन राशि के अनुसार जो जातक निम्न कहीं भी वस्तुओं का दान करता है, उसके मान सम्मान में सुख में धन में आदि की वृद्धि होती है और परिवार में तथा सदैव वो विजय प्राप्त करता है और कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार का कार्य कर करके भगवान राम का पूजन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस प्रकार आप सतमार्ग पर चले, उसी प्रकार हमें भी सतमार्ग पर चला, इस प्रकार की कामना कर करके उनका पूजन करना चाहिए।